नमस्कार, मैं सपना पब्लिक एशिया न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में चौकीदार की हत्या। 70 वर्षीय चौकीदार की हत्या। मृतक के सिर में धारदार हथियार मारने से चोट के निशान मिले हैं। सीसीटीवी की डीवीआर भी ले गए अज्ञात बदमाश। लगभग 70,000 के इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी ले गए अज्ञात बदमाश। पुलिस मौके पर पहुंचकर कर रही है मामले की जांच। नगर कोतवाली क्षेत्र के मामन चौकी का यह मामला है। पूरा मामला ये था, मैं सुबह आया यहाँ पे फैक्ट्री अपने देखने के लिए। सुबह आके देखा तो मैंने ताला भाग, मैंने गेट खोला, अंदर आके देखा तो मेरे सारे फैक्ट्री के अंदर ताले टूटे हुए थे। और जब मैंने, जो चौकीदार है वो चरपाई पे सोया हुआ था, मैंने देखा क्या प्रॉब्लम है, देखा तो सारे ताले टूटे हुए और सामान सारा इधर उधर हो रहा था। मैंने तुरंत जाके पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस लाके फिर मैंने पुलिस को बताया। अब पुलिस ने देखा आके तो ये मरा हुआ था हमारा चौकीदार। कोई सामान की क्षति हुई है किसी? सर मेरे सामान, मेरा विराज पार्ट्स ले गए हैं और कॉपर ले गए हैं, एल्यूमिनियम ले गए हैं और मेरी डीवीआर और एलईडी ये सब ले गए हैं। टोटल कितना नुकसान हुआ? सर मेरा नुकसान 50,000 रुपए समथिंग और एलईडी समेत लगा के 70,000 रुपए का नुकसान है एलईडी सर लगा के। कभी पहले भी ये वारदात था आपके? पहले भी सर एक दो बार हो चुकी है सर, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था पहले भी। सर परिवान है और ये गैसपुर के रहने वाले हैं। ये कितने सालों से आपके यहाँ? ये एक महीने से मेरे यहाँ है और उससे पहले कोई और चौकीदार था, वो चला गया और ये नया रखा था मैंने। ताजा और रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।